हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल निकीस फैमिली व्लॉग। तो अभी 10 बज चुके हैं और आज भी मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है। मन कर रहा है कि खेत में चले जाए सब लोग। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो मैं काका ये केन लेके आए हैं, तो इसमें उनके लिए छाछ भरवाने के लिए लेके जा रही हूँ सामने वाले घर, ये यहाँ पर इधर। आज तो काका की केन भरा ही नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ही मिला है क्योंकि और लोग लेके जा चुके हैं। तो मैं बाबू के इधर कॉल करती हूँ, अगर उधर क्या है तो उधर एटलीस्ट काका की ये केन तो भर ही देती हूँ। बाबू के यहाँ छाछ किया, ये केन लेके जा और उनके यहाँ से इसको भरवा ना। रुक जा, अभी ना जाग रहती हूँ। किधर से आएगी वो? मंदिर गए दोनों। तो तू ध्यान रखना वो जब निकले तब। नहाना था पर ये मंदीप नहा रहा था, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा चुकी हूँ और अब खाना खाऊंगी क्योंकि खाना जल्दी बन चुका है। फिलहाल तो 10 ही बजे हैं कि काका जो है वो किचन में फिर फर्नीचर वाला काम स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलेंगे? पढ़ लो बेटा, जाना छिपा दिया तो नहाने। अरे तो क्या हो गया? बोले नहानो सा, मुझे मौका नहीं मिलता है ना। अब काट क्यों रही है? मेरे का कट पागल है। ओ गाइस पलट रहे, मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ पे खड़ी थी इतनी जोर से काटा। पागल कुत्ता थोड़ी ना जो काटूंगी। वो जोर से काटते गाइस। अरे कुछ भी नहीं, सच में काटा। किसी और ने काटा होगा, चीटी ने काटा होगा, लग रहा है मैंने काट दिया। बेवकूफ बना रही है लोगों को, बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। ये देखो, हाँ बेवकूफ बना रही है। छोड़ फिर। और आज खाने में बनी है मस्त बाटी प्लस दाल। दाल तो मेरे को नजर नहीं आ रही है। तो अभी मेरा खाना हो चुका है और मैं जमा रही हूँ बर्तन पिंकी की हेल्प करके, क्योंकि अभी थोड़ी देर में काका आने वाले हैं तो उनको चाहिए किचन पूरा खाली। और वैष्णवी ने नाश्ता कर लिया तो अब खाना खा रही। अब कैसे तरीके से खा रही है खाना, दाल फैला के पूरी प्लेट में ली जाती है दाल। तो फ्रेंड्स आज वैष्णवी को लेके जाना है खेत में, अब पहले दाल फैला रही और अब समेट रही है क्योंकि वैष्णवी जब से आई है तब से खेत में गई नहीं है। फिलहाल तो अभी धूप है, तो जैसे ही मौसम ठंडा होता है मतलब शाम को, तो शाम को वैष्णवी को दिखाने के लिए लेके जाएंगे आज खेत। ओए वैष्णवी, खेत में चलना है या नहीं? चलूंगी, आज चलेगा खेत में। खेत में चलोगे कब? साक्षात सर से बोल लेते। मैंने तुझे कहा था कि तू करना सब लोगों को इकट्ठा। कर लो भैया डिसाइड, चलना है तो बता देना। 6 बजे तक चलेंगे क्योंकि अभी तो बहुत धूप है। आज काका ने ऑलमोस्ट किचन जो है कंप्लीट कर दिया है। और फ्रेंड्स हम लोग खेत में नहीं जा रहे हैं, खेत में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि अभी भी मौसम थोड़ा गर्म है, गर्म हवा चल रही है और सनसेट भी नहीं हुआ है और 6 ऑलरेडी बज चुके हैं। और अभी मैं सो के उठी हूँ तो ऐसे लथार्जिक फील कर रही हूँ, तो बिल्कुल मूड कर नहीं रहा फिलहाल जाने के लिए। वैष्णवी को बड़ा एक्साइटमेंट है तो उसको बता देती हूँ कि भाई प्लान कैंसिल हो गया है। जब से टीवी चालू हुआ है पूरे टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना। ए खेत में नहीं जा रहे, मैं बोल रही हूँ। नहीं और कभी? अरे यार मैं चालू आराम में दिमाग में। नहीं नहीं तो तू देख ले तारक मेहता, देख पूरे टाइम। आप तो पागल हो गए, अभी हाल में उठाना चाहिए यार। नहीं जा रहे। अरे यार चलो यार। नहीं मत पीछे मत पड़, नहीं मना कर रहे। तो आपने बोला था ना पहले, तो अभी क्या बोलते, धूप हो रही है ना, मौसम गर्म है, गर्म हवा चल रही है, बाद में चलेंगे किसी और दिन ठंडे मौसम में। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ी सी हवा खाने के लिए। वेल मौसम तो अभी गर्म है, मतलब हवा में जो है गर्माहट बनी हुई है, बट फिर भी अच्छा है। पूरे दिन नीचे थी, दोपहर भर उमस थी, तो बेटर है कि थोड़ा सा घूम लिया जाए। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. आ जाओ. दीप्ति को गग्गा दिखाते हैं। हाँ चलो धीरे धीरे। चू 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 चू। दीप्ति गग्गा, ये रहा। कौन सा स्नैप दिखा रही है? हेलो। जा दीप्ति उसको प्यार कर दे, पाग कर दे, दीप्ति पाग करेगी, जा। वो भी डरता है क्योंकि छोटा है ना, पता चल रहा है उछाल देगा। कुछ नहीं करेगा क्योंकि डर रही है। लेके जा रहा हूँ मैं, लेके आई हूँ उसको खिलाने के लिए। कहाँ घुमाने?
टॉफी नहीं खाती अभी, उसके दांत नहीं है, दांत नहीं ना, दिखा दीप्ति के दांत नहीं, दो ही दांत है अभी, ये दो दांत। गाइस दीप्ति मम्मा बुला रहे, कर दो टाटा। दीप्ति को हम छत पे लेके आ गए, नीचे चलेगी वो चू चू करेगी, चू चू वो छुपी है वहाँ पीछे, वहां जाके छुपी है, जा ढूंढ ले उनको, वो छुपी है पीछे, वहां पे वहां पे वहां पे। तेरे दांत सफेद हो ही नहीं सकते इतने दिन से तू ब्रश नहीं कर रही। फ्रेंड्स वैष्णवी अभी छत साफ कर रही है क्योंकि छत बहुत गर्म हो रहा है, तो पानी डाल दिया तो ठंडा हो जाएगा। गाइस अभी पानी निकला। वैष्णवी गाय आपका मुंह ना ग्रीन दिख रहा है, क्या कर सकती हूँ, मेरे चेहरे ही ग्रीन है, सबके दांत येलो होते हैं, मेरे भी येलो। तो तेरे तो येलो अफवाह, ब्लॉग में तूने खुद ने बोला, इसने बोला ना खुद ने, किसके पास ब्रश नहीं है, ब्रश भूल के चले गई। ब्रश मेरी माँ है ना जो, तुम जानती हो आशा, उन्होंने पैसे लेके टॉफी खा सकती है, वही बोल रही हूँ, पैसे रुपये नोट लेके जो टॉफी खा सकती है तो ब्रश नहीं ले सकती। उंगली से, उंगली से करती है। पिंकी मास इधर हवा के मजे ले रही है, क्या हो गया फेस पे? कुछ भी नहीं हुआ। फ्रेंड्स मैं अभी पापा के साथ ट्रैक्टर से खेत पे गई थी क्योंकि पापा सोसाइटी गए थे चने लेके, तो कुछ चने बचे थे तो उसको लेके खेत में जाना था, तकरीबन 50-60 किलो थे, तो वो मैंने जाकर के कमरे में डाला। उसके बाद मैं वहाँ पे शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि पूरे खेत में अंधेरा था, खेत की लाइट थी नहीं, और गाय ने दूध भी नहीं दिया क्योंकि हम गए तो पता चला कि बछड़ा जो है हमारे सामने दूध पी रहा था, सो हमने उसी को छोड़ दिया। और फिर अब आए, मुझे आया आधा घंटा हो गया, मैंने खाना खा लिया। एंड आई होप सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग छोटा है बट आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।